गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, टपके का डर। इसमें बुढ़िया के डर को व्यक्त किया गया है और शेर के डर को भी बताया गया है। आओ इस चैप्टर को हम पढ़ें। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी कि एक गांव में बहुत बुढ़िया रहती थी और उसके घर में कोई छोटे बड़े बहुत से सदस्य रहते थे। उसका बेटा और पोता उसका ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था। जैसे वह सोते समय क्या सुनता है, जैसे आप लोग कहानियाँ सुनते हैं अपने दादा दादी से, वैसे ही वह अपने दादा दादी से क्या सुनता था, कहानियाँ सुनता था। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती, दादी से कहानियाँ सुनता, जैसे ही कहानी आगे बढ़ती तो वह कहानी आगे बढ़ने से पहले ही सो जाता था। उस वर्ष वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, लगातार बारिशें पड़ रही थी और बारिशें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छे अच्छे घरों की, जो अच्छे अच्छे घर थे उनके घरों से भी पानी टपकने लगा। वैसे ही बेचारी बुढ़िया की टूटी फूटी जो बुढ़िया की झोंपड़ी पहले ही टूटी फूटी थी, उसकी क्या हैसियत, उसमें से तो पानी आना ही था। पानी की बूंदें हर जगह टपक टप टपक रही थी कि हर जगह से पानी निकल रहा था। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। अभी पानी अभी भी बरस रहा था कि पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, घोर अंधेरा था, अंधकार था। दादी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्या आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, पोते ने पूछा। अब दादी कहती है कि मुझे डर नहीं लगता बेटा, सबसे बड़ा डर तो मुझे टपके का है, दादी ने पोते को साहस बंधाते हुए कहा। उस दिन बहुत आंधी तूफान के कारण एक शेर आंधी तूफान के डर से उनकी झोंपड़ी के अंदर छिप गया था और वो पोते और दादी की बातें सुन रहा था और वो सोचने लगा कि टपका ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये डर रहे हैं। मैं इतना शक्तिशाली हूँ और मुझसे नहीं डर रहे हैं, यह सोचकर वो सोचते सोचते घबराकर जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका ही समाया हुआ था कि उसके दिमाग में अब टपका ही चला हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था, कि टपके का उसे पता नहीं था। बस हर समय डरता रहता, वही कहीं वह इधर जंगल में ना आ निकलेगी, कहीं वो जंगल में ना आ जाए। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया कि एक टूटी और उजाड़ में जिसमें कोई नहीं रहता था उसमें जाकर छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान कहाँ चला गया, ऐसे में वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ, इस पानी में कहीं खांसी जुकाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, वह गीले कपड़ों के साथ ही अंदर चला गया। भैया मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में ना जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ, तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया। नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुस कर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊँगा, कि मैं उसे खोज निकालूँगा तभी घर जाऊँगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता नहीं चला, कोई पता नहीं लगा। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिरता रहा, इधर पानी उधर अंधेरा, उस कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान बता देते। लोग अपने जानवरों को ऐसे ही पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे से, जैसे वहाँ से वह खूंटे से निकल कर पकड़ कर लाए हों। तुम कुम्हार ने और देखा ना, तो कुम्हार ने कुछ नहीं सोचा समझा, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, कि मेरा गधा क्या हो गया, गुम हो गया, जरा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे, उनका घर कई जगह से रिस रहा था, पानी उनके घर से पानी टपक रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त मीन्स बिना वक्त के आना, बे क्या हो गया इसमें, उपसर्ग हो गया, और वक्त क्या हो गया इसमें, मूल शब्द, बिना वक्त के आना उन्हें अच्छा नहीं लगा।
पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में, कहीं किसी खाई खड्ड में होगा। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। कुम्हार खाई और तालाबों में, पोखर क्या हुआ, तालाब, गधे की तलाश में गया। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी, वह उसी की ओर बढ़ गया। हो ना हो, मेरा गधा इस तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा, कुछ संकेत किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में छिपकर बैठा हुआ था। कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनको पत्तों की आवाज़ आई। अंधेरा तो था ही, कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा यहीं पर बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस के आ जाते ही उसने सबसे पहले दो डंडे जड़ दिए, दो डंडे शेर को लगा दिए। शेर की हालत ख़राब हो गई, दशा खराब हो गई उसकी। उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि वह कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आओ देखा ना ताओ देखा, किसने कुछ नहीं सोचा समझा, मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा, कि मेरी क्या दशा, क्या हालत करेगा। वह चुपचाप बैठा रहा। उस मुझसे बचकर कोई रहा है आज, मैंने जाने कितने चराग कर छोड़ दिए। कि अब जो कुम्हार है शेर को बोल रहा है वो सारी वर्डिंग, इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा तो। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता, शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर से जाकर सो गया। दिन निकला, बारिश बंद हुई तो वहाँ से लोग आते जाते हुए दिन में देखने लगे, अचंभित होने लगे, हैरान होने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बना था। बेटा ये आपकी कहानी है, इसको रीड कर लेना, क्वेश्चन आंसर भी याद कर लेना। धन्यवाद।